मोहम्मद साहबुद्दीन चौक के नाम से, यानी यहाँ से सांसद रहे और कहीं ना कहीं राजद के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, और उनके नाम से ये चौक बना है। और आपको जगह जो बता दें तो ये देखिएगा गोपालगंज और छपरा को जोड़ने वाला हाईवे है और उस हाईवे के पास ये बना हुआ है और सामने ये जाएगा तो ये टणवा गांव में रोड चला जाता है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे इस चौक का निर्माण किया गया है और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि ये किसी नेता या किसी समाज सेवी के द्वारा या फिर किसी राजद के नेता के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि साहबुद्दीन के जो समर्थक है, जो चाहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस चौक का निर्माण ये बोर्ड लगा करके किया गया है। यानी कि राजद में जो पहले कद था, शायद वो कद बढ़ रहा है या घट रहा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे या फिर हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनके समर्थकों के द्वारा इस बोर्ड का निर्माण किया गया और यहाँ पर लगाया गया। दूसरी तरफ से भी आपको दिखा दें, अगर आप छपरा से आते हैं तो भी आपको दिख जाएगा और आप गोपालगंज सिवान से आते हैं तो भी आपको दिख जाएगा, यानी दोनों तरफ से ये बोर्ड आपको दिखेगा और दोनों तरफ से लिखा हुआ हरा में है, जो कि राजद का पट्टी होता है हरा, बिल्कुल उसी कलर में इसको लगाया गया। और पूरा आपको दिखा दें तो यहाँ देखिए लोहा है, इसको गार्ड वगैरह दिया गया और यहाँ पे पूरी तरफ से इसका निर्माण किया और ये रास्ता टणवा जाता और टणवा होते हुए सिवान की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और नवयुवकों के द्वारा, युवाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया और यहाँ पे बताया ये भी गया कि किसी नेता ने नहीं किया, जिसके एवज में हम लोगों ने इसका निर्माण किया। आइए एक स्थानीय व्यक्ति है, इनसे हम बात करते हैं और बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ और किनके द्वारा किया गया और कैसे ये हुआ। ये गांव के जनता द्वारा हुआ है और गांव के जनता मोहम्मद साहबुद्दीन को अभी तक नहीं भूले हैं और उनकी याद में ये चौक बनाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ? ये 15 दिन पहले हुआ है। 15 दिन पहले किसी नेता के द्वारा हुआ? नहीं, ये समाज गांव के सामाजिक आदमी के द्वारा हुआ है। अच्छा, पूरे गांव के लोग, आप ही लोग के द्वारा? जी चंदा लगा करके या कैसे? अब वो आई मैंने चंदा नहीं कह सकते हैं, मतलब सब लोग मिलकर अपना लगाए हैं। अच्छा, सभी लोग मिल करके? जी। तो अभी भी लगता है कि साहबुद्दीन को गुजरे हुए करीब 1 साल से ऊपर हो गया, अब आपके दिलों में? देखिए, दिल में और मैंने दिल में और सभी के लिए जो काम किए हैं उनके सम्मान में ये चौक बनाया गया है और वो रहे या ना रहे उनका नाम हमेशा रहेगा। राजद के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, राजद के नेताओं के द्वारा क्यों नहीं किया गया, सवाल उठ रहा है। अब ये तो राजनीतिक मतलब पार्टी का मतलब सोचना है, चाहे कुछ भी करना है, ये समाज में जो लोग उनको चाहते हैं उनके द्वारा ये निर्माणित किया गया है, निर्माण किया गया है। अच्छा, ये रोड कहाँ जाता है? ये टणवा गांव में। ये टणवा गांव में जाता है? जी। तो टणवा गांव के लोग के द्वारा किया गया है? जी। अच्छा अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। असगर अली, यहाँ अपना स्टार एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। अभी लगता है आप लोगों की, यानी कि जो माइनॉरिटी है उसी समाज से आप आते हैं, मुसलमान समाज? जी से। जी, आप लोग के नेता अभी भी साहबुद्दीन है? जी अभी भी है। अभी भी है? जी। परिवार से तो कोई खास राजनीति कर नहीं रहा है? अब परिवार से करे या ना करे, लेकिन लोगों की जो अभी तक मतलब उम्मीद है और जो काम उन्होंने किया है, हालांकि मुस्लिम बेल्ट के लिए उतना नहीं किया है, लेकिन सभी के लिए जो किए हैं, कॉलेजें बनवाए हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सिवान को अच्छे पोजीशन पर पहुंचाने वाले वही व्यक्ति है। आप बहुत मतलब सांसद रहे, विधायक भी रहे, जी, क्या जी। लगता है उनके उनके परिवार से? जी, क्या लगता है उनके परिवार से अगर कोई 24 का चुनाव आ रहा है? जी जी। तो अगर कोई खड़ा होता है तो माइनॉरिटी सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको।